होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज का वीडियो ना कुछ व्लॉग नहीं होने वाला है, तो मैं कुछ ऐसा रूटीन या कुछ भी ऐसा नहीं दिखाने वाली हूँ। तो आज का व्लॉग होने वाला है अमेज़न हॉल, और ये अमेज़न हॉल आपके लिए दो पार्ट्स में आएगी। एक वीडियो ये है जो अभी आप देख रहे हैं, और एक इसके बाद एक वीडियो आएगी कुछ दिन बाद, क्योंकि एक तो कुछ कुरियर्स पहुंचे नहीं है टाइम से, बट अगर कुरियर सारे आ भी जाते तो भी मैं कवर नहीं कर पाती, बिकॉज मैं सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स नहीं दिखाने वाली हूँ, मैं उनका यूसेज भी आपको, जिस पर्पस के लिए मैंने मंगाए हैं, तो मैं वो भी आपको दिखाने वाली हूँ। इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगर मैं एक वीडियो में कवर करूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और लंबे वीडियो तो आप सब जानते हैं कि नहीं देखे जाते, किसी से भी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। तो मैं इसे बहुत लंबा नहीं करना चाहती, थोड़ा शॉर्ट ही रखना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने आज कुछ प्रोडक्ट्स लिए हैं, और नेक्स्ट पार्ट में जो पार्ट टू होगा उसमें हम कुछ प्रोडक्ट्स और आपको दिखाएंगे और उनका यूसेज दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स चूज करे हैं और यहाँ पे टेबल पे रखे हैं, तो यही प्रोडक्ट्स मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। और वीडियो के सेकेंड पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी इनका यूसेज, इन्हें मैं कैसे यूज करती हूँ और किस पर्पज के लिए काम आते हैं, कितने बेनिफिशियल है, तो वो भी आपको इसमें पता चलेगा, ताकि अगर आप लोगों को इनमें से कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप अपने घर के लिए ज़रूर मंगा सकते हैं। मैं दिखाते दिखाते आपको बताऊंगी। तो मेरे घर में जैसे कि आप जानते हैं छोटा बच्चा है, टॉडलर है, लड्डू, तो और वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव बच्चा है, और यहाँ वहाँ सब कोने हैं बहुत ज़्यादा, तो कहीं भी वो चढ़ जाती है, कहीं भी जंप मार देती है, कुछ भी कर देती है। मैं उसे मोस्टली, आपने पहले के वीडियोस में भी देखा होगा, अब एक दो वीडियोस से मैं उसको थोड़ा सा कम पहना रही हूँ, बट मोस्टली अगर आपने देखा होगा जितने भी वीडियोस हैं, मैं उसे हेड प्रोटेक्टर पहनाए रहती हूँ, तो ताकि उसका सर बच जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उछल कूद करती है तो उसको चोट लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। अमेजोन से मैंने एक्चुअली ना बहुत पहले जब हम यहाँ आने वाले थे उस वक्त ही मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर दिए थे बेबी प्रूफ करने के लिए घर को, लेकिन उसके साथ मेरा कुछ इश्यू हो गया था, वो डिलीवर्ड शो कर रहा था, मुझे मिला नहीं था, तो इसीलिए वो मेरे पास पहुंचा नहीं, एंड फाइनली मुझे रिफंड इनिशिएट हुआ था, तो फिर मैंने दोबारा से रीऑर्डर करा है और अब मेरे पास सामान आ चुका है। तो ज्यादा बातें नहीं करते, फटाफट से प्रोडक्ट्स देख लेते हैं यार। हेलो गाइस, तो मैंने ना अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया, आई एम रियली सॉरी, बिकॉज वहाँ पे लाइटिंग उतनी ज्यादा ब्राइट नहीं आ रही थी, और यहाँ पे मेरे ख्याल से लाइटिंग थोड़ा सा उससे काफी बेटर है, तो मैं आपको यहीं पे आप प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ, तो आई एम सॉरी वो चेंज के लिए। पहले प्रोडक्ट से शुरू करते हैं और साथ साथ ही बातें करते रहेंगे, क्योंकि मेरा तो कोई फुल स्टॉप है नहीं और मैं कंटिन्यूसली बहुत देर तक बोल सकती हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है, और ये मैंने यूज़ कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और जैसे ही ये आया मैंने इसे यूज़ कर दिया। इस प्रोडक्ट के बारे में आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि मैं भी इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानती थी। मैंने भी किसी का यूट्यूब वीडियो देखा और उन्होंने रिकमेंड किया था प्रोडक्ट, तो मैंने उसके बाद ऑर्डर किया, और ये काफ़ी बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। तो इसे कहते हैं लिंट रोलर, तो जो भी आपके सोफ़ा हैं, एक तो होता है ना नॉर्मल आप मोटी मोटी डस्टिंग हम लोग कर लेते हैं, बट एक वो जो चिपकी हुई गंदगी होती है जो सोफ़ा में बैठ जाती है, या चेयर्स में बैठ जाती है, कर्टन्स में बैठ जाती है, इनफैक्ट आपकी जाली के दरवाजे जो हैं उनमें चढ़ जाती है, फिर उन्हें धोना वोना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट है वो, चिपकी भी गंदगी निकालने के लिए, और जो भी आपके सोफ़ाज वगैरह उसके बाद वो बहुत क्लीन लगते हैं। तो ये मैंने यूज़ कर लिया है, ये ऐसे रोल आया था और वो मैंने लगाया, और इसका जब आप ये ऊपर का शीट उतारेंगे तो एक नीचे से स्टिकी शीट आती है, उसके बाद आप अपने पूरे सोफ़ा में, चेयर्स में, जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ इसे प्रॉपरली रोल करें, जो वो चिपकी वाली गंदगी है वो इसमें चिपक जाएगी। तो ये मैंने यूज़ करा है और आप देखेंगे कितना गंदा है, जबकि बिल्कुल वाइट होता है। तो जब मुझे नेक्स्ट टाइम इसे यूज़ करना होगा, मैं इसका ऊपर का ये शीट निकालूंगी और फिर से वो स्टिकी शीट आ जाएगी, और फिर मैं इसे दोबारा यूज़ कर सकती हूँ। तो हर दो तीन दिन में अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो वो एक गंदा लगने लग जाता है ना सोफ़ा कुछ टाइम बाद, और हमें वॉश कराना पड़ता है, तो वो नहीं कराना पड़ेगा बहुत जल्दी। तो ये रेगुलर क्लीनिंग के लिए है, इसके साथ ये दो रोल्स एक्स्ट्रा आए हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऑर्डर कीजिए, और अगर आप ऑर्डर करके यूज़ करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। सेकेंड प्रोडक्ट है ये बेबी सेफ्टी इलेक्ट्रिक सॉकेट कवर, तो नाम से ही पता चल गया होगा कि ये जो सॉकेट्स हैं ये खुले रहते हैं ऑब्वियसली, तो लेकिन जिस घर में बच्चा होता है जैसे लड्डू है,
तो ये बार बार उसमें उंगली लगाती रहती है, और जिस चीज़ को हम मना करेंगे बच्चे उस चीज़ को ज़्यादा करते हैं। तो जब मैं मना करती हूँ तो फिर वो बार बार देखती है कि मम्मी कहीं बिजी है, और दोबारा से वहाँ पे अपनी उंगली टच करने की कोशिश करती है, तो वो कई बार बहुत अनसेफ हो जाता है। तो उसी के लिए सॉकेट है, तो पावर सॉकेट के लिए भी हैं और छोटे भी हैं, तो मतलब हर साइज़ के सॉकेट्स हैं और बहुत ठीक क्वांटिटी है, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से उसमें छोटे नहीं होते हैं, तो आप दो पैकेट मंगा सकते हैं। मेरे लिए ये सफिशिएंट था, अलग अलग साइज़ में हैं। जब मैं ये लगा लूँगी या लगाते हुए मैं आपको ज़रूर इस वीडियो के सेकंड पार्ट में दिखाऊँगी। थर्ड है ये, तो ये एज गार्ड है, तो ये जो जितने भी शार्प एजेस होते हैं, ये जो टीपी यूनिट है इसका बहुत शार्प एज है, तो वहाँ पर आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसको कैसे यूज़ करना है इसका एक मैनुअल भी आया है, और इसके साथ ये टेप भी आया है, ये टेपिंग आप इसमें लगा के इसको प्रॉपरली स्टिक कर सकते हैं, तो ये जितने भी एज होते हैं ना उनको बहुत अच्छे से कवर कर देगा, तो चोट नहीं लगेगी बच्चे को, उस लिए ये है। उसके बाद ये एक प्रोडक्ट है, तो जो भी कॉर्नर्स होते हैं टेबल्स के, या जैसे ये यूनिट के भी हैं, टी वी यूनिट के कॉर्नर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा शार्प हैं, बहुत शार्प कॉर्नर्स हैं, तो उनके लिए ये सिलिकॉन का है कॉर्नर। इसमें एक 3M टेप की शीट भी आई है, तो दोनों साइड स्टिक करके, वैसे मैं भी इसे एक बार देखूंगी वीडियो, उसके बाद करूंगी, तो मैं वीडियो में आगे दिखाने ही वाली हूँ। तो जो भी ये कॉर्नर्स हैं इन पर ये ऐसे स्टिक हो जाएगा, तो कॉर्नर शार्प होने की वजह से बच्चों को चोट लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो वो एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कि कम से कम कॉर्नर से उनको कोई चोट नहीं लगेगी। सिलिकॉन का है तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये है हमारा एक और प्रोडक्ट, और ये सारे प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करके लगा के प्रॉपर्ली आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। नेक्स्ट है ये मल्टीपर्पज़ सेफ्टी लॉक, तो जो भी जिनके भी घर में बच्चे होंगे ये तो पता ही है कि बच्चे कैबिनेट्स ड्रॉर्स इतना ज़्यादा खोलते हैं, तो उसके लिए मैंने ड्रॉ लॉक्स मंगाए हैं, कैबिनेट लॉक्स मंगाए हैं। तो इसको लगाना कैसे है वो तो मैं देखूंगी, वैसे इसमें एक 3M का टेप लगा हुआ है, लॉक सिस्टम है, देखते हैं कैसे लगाना है वो तो वीडियो में आगे देखेंगे। तो ये भी बहुत सारे इसमें 10 पीसेस हैं वो मैंने मंगाए हैं, तो ड्रॉ लॉक कर दूंगी। लड्डू ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉर्स बहुत खोलती है, किचन की ड्रॉर्स बहुत खोलती है, तो वो बेसिकली मुझे शट करने हैं ताकि वो उसमें से चीज़ें ना निकाले, और कई बार उनको खोलते वक्त उसके कॉर्नर से भी उसको लग जाती है चोट, और जो लोअर ड्रॉर्स हैं उनको खोलती है तो पैरों में भी चोट लगती है, तो उस वजह से मैंने ये ड्रॉ लॉक्स मंगाए हैं, विच इज़ वेरी 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 इसेंशियल प्रोडक्ट अगर आप बेबी प्रूफ कर रहे हैं अपार्टमेंट को। और ये है, ये ना यहाँ पे जितने भी हमारे ग्लासेस होते हैं, चाहे मिरर हो गया, चाहे हमारे ग्लास डोर्स हो गए, उनके लिए मैंने ये ब्रश मंगाया था। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे स्टिक हो जाएगी, तो ये एक्चुअली रब करने के लिए है ये साइड, और ये साइड फिर वाइप करके पोंछने के लिए है, तो ये भी लगेगा इसमें, और ये एक और ये हैंडल दिया है वो यहाँ पे लगेगा, तो ये भी मैं आपको लगा के और यूज़ करके दिखाऊंगी, क्योंकि शीशे को साफ़ करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, फिर आप न्यूज़पेपर से साफ़ करो, क्योंकि कपड़े से तो साफ होता नहीं है ढंग से, भी न्यूज़पेपर लो साफ़ करो, गंदगी ये वो, तो उन सब से हटने के लिए मैंने ये ब्रश मंगा लिया। तो ब्रश करो वाइप करो, ब्रश करो वाइप करो, क्योंकि घर में इतने सारे काम होते हैं तो लाइफ को थोड़ा सा ईजी बनाना है, टफ बनाएंगे तो सारा टाइम उसी में चल जाएगा, तो जितनी भी ईजी प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करना चाहिए। एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट प्रोडक्ट, तो ये मैंने किचन के लिए मंगाया है एक सोप डिस्पेंसर, और इसमें अच्छी बात यह है कि ये स्पंज होल्डर भी है, तो बहुत प्यारा है, इसमें आप अपना लिक्विड सोप रख सकते हैं, जो भी मैं गेस कर रही हूँ कि यहाँ आप अपना सोप रखेंगे, इसको ऊपर से कवर करेंगे, और यहाँ पे आप अपने स्पंज को रख सकते हैं, और ये प्रेस करके ऊपर आने वाला है, तो जब आप इसे प्रेस करेंगे तब वो ऊपर आएगा, तो ये बहुत अच्छा है, इससे ना वो
मैसी हो जाता है ना किचन का, वो धोने वाला एरिया जो मैसी हो जाता है वो नहीं होगा प्रॉपरली, बस एक चीज में सारा कंट्रोल रहेगा, ऊपर स्पंज नीचे लिक्विड, तो एक ही चीज में पूरा कंट्रोल रहेगा और सब मैसी नहीं होगा। प्रोडक्ट्स तो मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं, तो आइए चलते हैं साथ मिलकर घर को बेबी प्रूफ भी करते हैं और जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनको साथ में यूज करते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप भी इन प्रोडक्ट्स में से कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। ये मेरा किचन का बर्तन धोने वाला एरिया है जो बहुत ज़्यादा मैसी लग रहा है। अब मैं सोप डिस्पेंसर से इसे रिप्लेस करूँगी। बॉटम में मैंने यहाँ पे लिक्विड सोप डाल दिया है और जब मैं इसे प्रेस करती हूँ तो ये एक एक ड्रॉप करके ऊपर आता है, जिसे हम फिर अपने स्क्रब में लेके बर्तन धो सकते हैं। ये ब्रश जब मैंने ओपन किया तो ये तीन पार्ट्स में आया है। एक तो ये इसका हैंडल है जो हमने अटैच कर दिया, तो ये थोड़ी ज़्यादा हाइट पे भी साफ कर सकता है। ये जो इसका रबर है ये इसमें हमने अटैच करना था, बट ट्रस्ट मी गाइस, इतनी डिफ़िकल्टी हुई मुझे इसको अटैच करने में, मुझे हाफ एन आवर लगा और अभी भी देखिए कि आप ये पूरी तरह अटैच नहीं हुआ है। जहाँ तक इसकी क्लीनिंग की बात है तो क्लीनिंग बहुत अच्छी है। ब्रश से मैंने पहले साफ़ कर दिया था, उसके बाद वाइपर से मैंने अच्छे से वाइप कर दिया और ग्लास काफ़ी क्लीन हो गया था। बट ट्रस्ट मी, वो जो लगाने का प्रोसीजर है उन्होंने ना ही कोई वीडियो ऐसा दिया है कि उसकी कोई टेक्निक हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है, इसलिए आप ऐसा ही कोई दूसरा ब्रश ऑप्ट कर सकते हैं, बट इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। बेबी प्रूफिंग प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो भी कितने अच्छे हैं और उनसे काफ़ी सेफ्टी हो चुकी है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप अपने घर के लिए ज़रूर ऑर्डर करिएगा। एक चीज़ मैं आपसे और बोलना चाहूँगी कि अगर प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करने में ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन अगर मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती तो शायद मैं उतनी अच्छी तरह आपको समझा नहीं पाती, तो इस बार थोड़ा सा लंबा वीडियो ही प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं तो आप लोगों को इतना लगेगा ही नहीं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा चला गया है। तो बस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ये पार्ट वन था। वेट करिए मेरे सेकंड पार्ट का जो कुछ दिनों में आ जाएगा आपके पास। और आपको पता है कि आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँगी। आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, मुझे अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।